कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने अनाज मंडियों का औचक निरीक्षण करने के दौरान किसानों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी भी मंडी में किसानों को खरीद कार्य से संबंधित कोई परेशानी सामने आई तो संबंधित अधिकारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उपायुक्त आज देर शाम लाडवा व बाबैण अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उपायुक्त मुकुल कुमार, एसडीएम लाडवा अनुभव मेहता ने लाडवा व बाबैण अनाज मंडी में पहुंचकर धान की नमी को चेक किया। कई जगह पर किसानों की संतुष्टि करवाने के लिए अलग अलग मशीनों से नमी की जांच करवाने का काम किया। इसके बाद धान के तोल को चेक करवाया और सभी जगहों पर ठीक व्यवस्था पाई गई। उपायुक्त ने मंडियों में किसानों एसोसिएशन के पदाधिकारियों, राइस मिलर्स एसोसिएशन के सदस्यों से बातचीत करके खरीद कार्यों के साथ साथ अन्य प्रबंधों के बारे में फीडबैक ली। उपायुक्त ने कहा कि कुरुक्षेत्र की मंडियों में धान की खरीद का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। सभी एजेंसियों के अधिकारियों को सरकार आदेशानुसार खरीद कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। सभी खरीद केंद्रों पर अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है और सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर मार्केट कमेटी के सचिव अखिलेश शर्मा, हैफेड के मैनेजर कुलदीप, निरीक्षक नरेंद्र, मंडी एसोसिएशन के प्रधान विमलेश गर्ग, मंडी प्रधान शेखों सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रोक्योरमेंट के जो इनिशियल डेज हैं उसको थोड़ी बार रिव्यू करने के लिए मैंने विजिट करी है, तो अपने मेलर्स भी थे, हमारे आड़ती भाई भी थे, तो कुछ एक इश्यूज उन्होंने एड्रेस करे हैं, उनको हम जल्दी रिजॉल्व करने का प्रयास करें। सर, मैं ये कहूँगा, एक तो अपनी फसल सुखा के लाएं और जो उनकी शेड्यूलिंग हो रखी उसी हिसाब से अपने फसल को लेके आएं ताकि मंडी में ग्लट ना हो। खबरनामा हरियाणा के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट।